नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ अहम खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां। महाराष्ट्र की सियासत में 20 जून का दिन खास रहा। दरअसल बीते साल 20 जून को ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बगावत की थी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस मनाने का ऐलान किया था। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने शिवसेना उद्धव गुट NCP कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया है कि राज्य में कानून व्यवस्था को न बिगाड़े। यही नहीं, जगह जगह पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया। इसी क्रम में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे अफजड़ बहादुर सेना के महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा के कार्यालय के बाहर भी पुलिस का पहरा लगाया गया। गौरतलब हो, गद्दारी के मुद्दे पर राज्य की सियासत गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस अवसर पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे अफजड़ बहादुर सेना के महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने अपने कड़े तेवर दिखाते हुए शिंदे गुट पर तीखा प्रहार किए, जिससे आप कोई प्रदर्शन ना कर सकें। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, प्रदर्शन की तो बात ही नहीं है। जब तक हमको मातोश्री से आदेश नहीं आता तब तक हम कुछ करते नहीं, और जब आदेश आता है तो फिर हम कुछ देखते नहीं। तो ये जो पुलिस बंदोबस्त दिया, ये तो सुबह से मेरे कार्यालय के बाहर पुलिस का पूरा ताका लगा दिया सीनियर साहब ने यहाँ के। जब मैं आया सुबह 10 बजे ऑफिस में, देखा था पूरे पुलिस वाले खड़े, तो मैंने पूछा उनको क्या बात है भाई, तो बोले साहब ऐसा ऐसा है, तो आपके यहाँ मतलब हमको तो अभी तक आदेश आया नहीं मातोश्री से, अगर आदेश आएगा तो हम फिर इधर गद्दार दिवस बड़ी धूमधाम से बनाएंगे, फोटो पे हार भी चढ़ाएंगे चप्पलों का। वह आदेश आया नहीं अभी तक, तो बात यही है कि आज का दिन तो पूरा महाराष्ट्र पूरा देश भूल नहीं सकता है। जो बाला साहब और उद्धव साहब और आदित्य साहब की पीठ पे खंजर मारा गया, जो धोखा दिया गया कि शिव सैनिकों को और उद्धव साहब को, वो आज वो दिन है, एक साल पूरा हो गया है, तो उस विषय पे ये सब हो रहा है। और कहीं ना कहीं गद्दारों को चीज का एहसास है कि हमने गलत किया था, तो इसके लिए डर गया ना। इसके लिए हमारी हर शाखा पर पुलिस बिठा रहे हैं, हर शाखा पर पुलिस बंदोबस्त दे दिया है कि हम लोग कुछ कर ना पाए, किधर जा ना पाए। हमारा भी प्रोग्राम था, पर बाद में जैसा आपको बोली, जब तक हमको आदेश नहीं आएगा हम कुछ नहीं करेंगे, और जिस दिन आदेश आएगा फिर हम किसी की सुनते भी नहीं। हमको फिर एक ही आवाज आती है, मातोश्री और शिवसेना भवन, बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब, जिस दिन आदेश आएगा तो हम बता देंगे कि शिवसैनिक क्या है। जैसे आप राजनीति को समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसे महागाड़ी विकास जो है, सरकार थी महागाड़ी की, वो तो चल रही थी, आगे भी जो ऊपर का डिसीजन है ऊपर के लीडर लेंगे। बाकी शिवसैनिक जो है मुंबई और महाराष्ट्र में, वो महानगर पालिका हो या विधानसभा चुनाव हो महाराष्ट्र का, शिवसैनिक मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जैसे कि हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय श्री उद्धव साहब ने कहा था कल की सभा में कि शिवसैनिक तैयार है, सभा लगा के इलेक्शन डिक्लेयर करो। हम तो कह रहे हैं, हर एक शिवसैनिक कह रहे हैं इलेक्शन डिक्लेयर करो, दिखाते हैं किसकी ताकत क्या है। हम तो तैयार हैं, शिवसैनिक तैयार है, पूरी शिवसेना तैयार है, उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी इलेक्शन डिक्लेयर करने बोलो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यदि मुंबई महानगर पालिका के डिक्लेरेशन हो जाते हैं चुनाव की, तो ऐसे में क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे की तैयारी है? अगर महानगर पालिका डिक्लेयर होता है चुनाव, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पूरी तैयारी है, पूरी शिवसैनिकों की तैयारी है। 227 में से 200 सीटों पे जीत शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की होगी, महागाड़ी की होगी, और ये दूध का दूध पानी का पानी हम नहीं जनता करके दिखाएगी। जीत जानती है, खाली शिवसेना की पीठ पर खंजर नहीं मारा गद्दारों ने, जनता की पीठ पे ही मारा, जनता को भी धोखा दिया है। तो मुंबई बाला साहब की है, शिवसेना की है। जो मुंबई कर रहे हैं वो बाला साहब को मानते हैं, भगवे को मानते हैं, और वो बाला साहब के विचारों को नहीं छोड़ेंगे। जो उन सबको पता है, जैसे कि कोर्ट का भी निर्णय आपको पता था, जैसे सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आई थी, उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, वो रिजाइन नहीं थे तो वही रहते, पर उद्धव जी ने मुख्यमंत्री का रिजाइन दिया अपनी मर्जी से, ना कुछ दबाव में, क्योंकि हमारे जो बाला साहब का जो आशीर्वाद और जो उनकी पॉलिसी है वो उद्धव जी में क्वालिटी है। उद्धव जी ने CM की कुर्सी को लात मार के लोगों के साथ खड़े रहे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे, शिवसैनिकों के साथ खड़े रहे, ये उद्धव जी ने करके दिखाया। तो
तो हमको कुर्सी की लालच नहीं है, लोगों की लालच है। लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, और जनता का आशीर्वाद उद्धव बाला साहब ठाकरे औजोड़ वातुक सेना और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को जिता के लाएगी। और मुंबई महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका में फिर भगवा लहराएगा, वो भी 200 सीटों के ऊपर से। कार्यकर्ताओं में जोश था, उसको लेकर आने वाले समय में क्या और भी जान फूकने का काम हो? कल स्थापना दिवस था, रैली नहीं थी, हमारा स्थापना दिवस था, 57 साल पूरे हुए थे, 57 ईयर्स, और जोश पूरा दिखा है। उसका कारण बताता हूँ, उसके पहला हमारा शिविर था वर्ली में, वही 2 दिन लगातार पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश से हर राज्य के प्रमुख आए हुए थे, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, बिहार के, हर जगह से राज्य प्रमुख थे, महाराष्ट्र के पूरे जिले प्रमुख थे, वही लोग अगले दिन फिर थे। मतलब शिवसैनिकों में इतना जोश था, 2 दिन रुक के दोनों शिविर अटेंड करके, स्थापना दिवस भी और शिविर भी, और हर जगह एक कुर्सी खाली नहीं थी, उल्टा बाहर तक पब्लिक थी, कार्यकर्ता बाहर तक थे, वर्ली में भी और कल यहाँ भी गांधी मार्ग साइन में भी। तो जो प्यार, जो इज्जत, जो सम्मान उद्धव साहब, बाला साहब, आदित्य साहब ने लोगों को दिया, कार्यकर्ताओं को दिया, वो उन्होंने कल और परसों बाला साहब, उद्धव साहब, आदित्य साहब को रिटर्न किया है। तो जैसा कि उद्धव जी ने कहा था, ये भाड़े की पब्लिक नहीं है, ये दिल का रिश्ता है, ये शिव सैनिक और उद्धव साहब का घर का परिवार, हमारे मुखिया उद्धव साहब और हम एक परिवार है। उद्धव जी का आशीर्वाद पूरे परिवार पे है और वो आशीर्वाद रहेगा, और वैसे ही हम सब शिव सैनिक एक परिवार के नाते उनके साथ खड़े हैं, और हमको कोई सत्ता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम बिना सत्ता के भी काम करेंगे लोगों के लिए, उद्धव साहब के साथ खड़े होके। हम शिव सैनिक उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ है और हमेशा रहेंगे। अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त, विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।